तो इससे पहले आप राजनाथ सिंह के रोड शो की तस्वीरें देख रहे थे, स्मृति ईरानी के रोड शो की तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। और यहां पर भी आपको ऐसा ही हुजूम उमड़ता हुआ नजर आएगा जैसा हुजूम आपने इससे थोड़ी देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रोड शो में देखा। एक तरफ राजनाथ सिंह ने नामांकन से पहले हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की, तो वहीं पर स्मृति ईरानी ने रामलला के दर्शन कल किए थे, देवी देवताओं की पूजा अर्चना की थी। अमेठी में स्मृति ईरानी का एक भव्य बड़ा रोड शो और पुष्प वर्षा इस वक्त उन पर की जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ इस वक्त मौजूद और पार्टी के तमाम बड़े चेहरे उनके साथ रोड शो में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये बड़ा रोड शो इस वक्त स्मृति ईरानी का, जिसमें आप डॉक्टर मोहन यादव को साथ में देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तीसरी बार चुनावी रण में उतरी हैं स्मृति ईरानी। 2014 में राहुल गांधी से चुनाव हारी थी, लेकिन 2019 में राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। इस बार फिर से राहुल गांधी को चुनौती दे रही थी। 2019 में राहुल गांधी को हराया, अभी तक राहुल गांधी के लड़ने पर हालांकि संशय इस सीट से बना हुआ है। इस सीट में अभी तक कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाया। दो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। एक तरफ पहली तस्वीर में स्मृति ईरानी आपको नजर आ रही, लेकिन दूसरी तरफ आपको लखनऊ से तस्वीरें दिखा रही जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इससे पहले आपने इसी विजय रथ पर विजेश पाठक को भी देखा था कि अभी वहां पर मौजूद और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद थे। दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह का बड़ा रोड शो, और दोनों बड़े चेहरे इस विजय रथ रोड शो को निकालने से पहले पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए थे। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि राजनाथ सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की और कार्यकर्ता जुलूस के लिए तैयारी उस वक्त कर रहे थे, और उससे पहले स्मृति ईरानी ने भी रामलला के दर्शन किए और कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर भी खास तैयारी फिलहाल की थी। स्मृति ईरानी अमेठी से तो राजनाथ सिंह लखनऊ से अब से कुछ ही दिन में नामांकन दाखिल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक शक्ति प्रदर्शन फिलहाल दोनों बड़े चेहरों की तरफ से किया जा रहा है। और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एक तरफ जहां राजनाथ सिंह लखनऊ संसदीय क्षेत्र से चुनावी रण में, तो दूसरी बार इसी अमेठी सीट से जीत दर्ज करने के लिए स्मृति ईरानी भी चुनावी रण में है और चैलेंज किया था गांधी परिवार को कि कोई भी सीट से चुनावी रण में उतर जाए। हालांकि अभी तक विपक्षी गठबंधन से कौन चुनावी रण में उतरता हुआ नजर आएगा इस पर अभी भी संशय बरकरार है, और कांग्रेस पार्टी खुद चिंतन मंथन इस सीट को लेकर लगातार कर रही है। मुकाबला बेहद दिलचस्प, और दिलचस्प मुकाबले से पहले एक दिलचस्प तस्वीर फिलहाल सामने आ रही है। दोनों के काफिले पर पुष्प वर्षा इस वक्त हो रही है। एक तरफ राजनाथ सिंह 54,000 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का विकास अब तक उनके संसदीय क्षेत्र में हो चुका है, इसकी जानकारी देते हुए अपने इस विजय रथ के द्वारा नजर आ रहे हैं। तो वहीं स्मृति ईरानी के रोड शो से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त महिलाएं पुरुष हर वर्ग के लोग उनको देखने के लिए पहुंचे हैं। स्मृति ईरानी को एक बार फिर से अमेठी सीट से उम्मीदवार फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, और अपने काम के जरिए क्षेत्र में किए गए विकास के जरिए स्मृति ईरानी जीत की हुंकार फिलहाल भरते हुए नजर आ रही है। दोनों आज नामांकन पत्र अपना दाखिल करने वाले, राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पर स्मृति ईरानी बीजेपी ने फिर उनको अमेठी से चुनावी रण में उतारा। दोनों नेताओं ने नामांकन से पहले मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। स्मृति ईरानी की बात करें तो एक्स पर उनकी तरफ से पोस्ट करते हुए बताया गया था कि 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के साथ मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करूंगी अमेठी के। आप सभी परिवार वालों से आग्रह करती हूं कि आप सभी सब परिवार पधार कर मुझे अपना शुभाशीष एवं स्नेह प्रदान करें। और देखिए शुभाशीष और स्नेह इस वक्त प्रदान किया ही जा रहा है। स्मृति ईरानी को देखने के लिए बड़ी संख्या में जनता उमड़ी हुई है, और स्मृति ईरानी के चेहरे की मुस्कान और उनके साथ जो डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद है, उनके चेहरे की मुस्कान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना संतोष उनको है। इस भारी भीड़ को देखकर दोनों ही राजनेता गदगद नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त। इस वक्त स्मृति ईरानी विक्ट्री का साइन भी कुछ देर पहले दिखा रही थी, और इसी तरह से विक्ट्री साइन सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिखाते हुए नजर आ रहे थे।
भारत माता की जय जयकार, प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार। फिर एक बार मोदी सरकार, ये विजय रथ में फिलहाल आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी के विजय रथ में ये लिखा हुआ है। फिर एक बार मोदी सरकार 400 पार का नारा, और 400 पार के नारे के साथ साथ 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का जो टारगेट लेकर चली भारतीय जनता पार्टी, वो हर हाल में पूरा हो, इसको लेकर हर एक कोशिश, छोटी से छोटी बड़े से बड़ी कोशिश ये सभी राजनेता इस वक्त कर रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त पूरी कोशिश स्थानीय नेता, राज्य स्तर के नेता, केंद्र के नेता, सभी की तरफ से की जा रही। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर जो काबिज हो जाए, समझ लीजिए कि देश की गद्दी भी उसके नाम। तो बस इन्हीं 80 लोकसभा सीट्स पर खास फोकस बीजेपी इस बार भी कर रही है, पिछली बार भी किया। और अब से कुछ ही देर में पर्चा स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे और पर्चा भरेंगे राजनाथ सिंह, वो भी नामांकन अपना दाखिल करने वाले हैं। अच्छा, जिस पोस्ट का हम जिक्र कर रहे थे इससे पहले, स्मृति ईरानी ने पोस्ट करते हुए पहले बता दिया था कि डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में अमेठी की विकास यात्रा को निरंतर रखने और मोदी की गारंटी को साकार करने के संकल्प के साथ मैं नामांकन अपना दाखिल करूंगी। अमेठी के आप सभी परिवार वालों से आग्रह करती हूँ कि आप सभी लोग आए, अपना शुभाशीष आशीर्वाद मुझ तक पहुंचाए। लेकिन रोड शो इस वक्त दोनों राजनेताओं का चल रहा है, कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दोनों दाखिल करेंगे, वो तस्वीरें भी सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ना देखिए, साल 2019 के परिणामों पर एक बार नजर डाल लेते, फिर चाहे वो अमेठी का हो फिर चाहे लखनऊ का। देखिए, लखनऊ में राजनाथ सिंह को साल 2019 में 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और मतदान प्रतिशत उनका 50 से ज्यादा था, 50% से ज्यादा। और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी उनको कड़ी शिकस्त देते हुए राजनाथ सिंह 2019 में नजर आए। एक बार फिर से वैसा ही तगड़ा मार्जिन हो, इसकी कोशिश की जा रही है। अमेठी से बात करें, स्मृति ईरानी के 2019 के परिणामों की तो राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों के अंतर से हराते हुए नजर आई थी। कांग्रेस ने अमेठी से अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया है। अमेठी में पांचवें चरण के लिए 20 मई को मतदान होगा। अमेठी के रोड शो की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, साल 2019 में 55,000 वोटों से राहुल गांधी को हराते हुए स्मृति ईरानी नजर आई थी और इस बार चैलेंज किया था, खुला चैलेंज, कि गांधी परिवार से कोई भी चुनावी रण में आ जाए। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी डिसाइड नहीं कर पाई कि सीट से कौन चुनावी रण में उतरेगा, फिर राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगी, कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी ना सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि यहाँ पर आपको स्थानीय महिलाएं भी स्मृति ईरानी के समर्थन में नजर आएंगी। अमेठी सीट क्यों है खास? क्योंकि गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। संजय गांधी, राजीव गांधी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, जीत दर्ज करते हुए वो नजर आए थे। अमेठी सीट आजादी के 20 साल बाद 1967 में अस्तित्व में आई। इस सीट की खासियत की बात आपको बता रहे, इंदिरा गांधी की सत्ता के बाद परिसीमन में ये सीट बनी थी, तब इसे कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। पिछले दो चुनावों में कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी आप जीते, पहला दो चुनाव हुआ था जब इस ये सीट अस्तित्व में आई थी। हम तब की बात करें कि उस वक्त तो शुरुआत के दो चुनाव थे, कांग्रेस पार्टी के विद्याधर वाजपेयी यहां से चुनावी रण में जीते हुए नजर आए थे। जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह भी सीट से सांसद बने। ये सीट को लेकर अभी तक क्या इतिहास रहा है वो आपको हम फिलहाल जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त जो आपको ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं, ये लखनऊ संसदीय क्षेत्र के से जुड़े हुए राजनाथ सिंह 2014 और 19 में जीत दर्ज करते हुए नजर आए थे। अब स्मृति ईरानी को लेकर लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, तीसरी बार उम्मीदवार उनको बनाए। हालांकि सबसे पहले जब उनको चुनावी रण में उतारा गया था तो उनको हार मिली थी, लेकिन 19 में उन्होंने तगड़ी
जीत दर्ज की थी, राहुल गांधी को उनके गढ़ में हराया था और इस बार भी वो अपनी जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त इस वक्त नजर आ रही हैं, क्योंकि जो विजय रथ उनकी तरफ से निकाला गया है उसमें आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन इसके अलावा स्थानीय महिलाएं भी उनको अपना समर्थन देने के लिए फिलहाल पहुंची हुई हैं। हालांकि नामांकन से पहले ही स्मृति ईरानी ने प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप 5 साल के रूप में जो विराजमान रामलला, उनके दर्शन किए, पूजन किए, इसके अलावा और भी कई मंदिरों में जाकर मत्था टेकते हुए स्मृति ईरानी नजर आई थी, आशीर्वाद लिया है देवी देवताओं का। और आज राजनाथ सिंह ने भी रोड शो से पहले पूजा अर्चना की, हनुमान सेतु मंदिर में वो भी मत्था टेकते हुए नजर आए थे। तो भगवान का नाम लेकर, भगवान का आशीर्वाद लेकर अब उतर चुके हैं चुनावी रण में विजय रथ यात्रा निकालकर। डीएम कार्यालय अब से कुछ देर में पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करते हुए भी नजर आएंगे।